भले ही असम के बहुत सारी वीरंगनाओं ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करने में सफल हुई है, लेकिन उन सब में से जो नाम उभर के आता है वो है कनकलता बरुआ। उनका जन्म 1924 के 12 दिसंबर में असम के दरंग जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री कृष्णकांत बरुआ और उनके माता श्रीमती कर्णेश्वरी बरुआ। कनकलता की कम उम्र में ही उनके माता का देहांत हो जाता है, इसीलिए उनके पिता ने दूसरी शादी करा ली ताकि उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी की भी देहांत हो जाती है। इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वो अंदर से ही लगभग टूट चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके सौतेली माँ और दादा दादी ने संभाला और वो उन्हीं के प्यार के बीच बड़ी होने लगी। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने अपना विद्याकाल समाप्त कर दिया था। बड़े होने के साथ कनकलता काफ़ी सुंदर और नम्र स्वभाव की हो उठी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपना अधिकतर समय गांव के बच्चों के साथ खेलकूद करने में और खेतों में अपनी माँ की मदद करने में बिताती थी। वो महात्मा गांधी, किरणबाला बोरा, विष्णु प्रभा राभा, ज्योति प्रसाद अग्रवाला आदि से बहुत प्रभावित थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करने के बाद उन्होंने किशोरी के रूप में राष्ट्रवादी शिविर में गुप्त रूप से मिलना शुरू कर दिया। वो नवस्थापित शांति वाहिनी में शामिल हुई, जिसे असम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने विरोध के दौरान शांति बनाए रखने के लिए स्थापित किया था। कनकलता मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गए, जिसको ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के अनुरूप बनाया गया था। 20 सितंबर 1942 को मृत्यु वाहिनी ने फैसला किया कि वो स्थानीय पुलिस स्टेशन पर ध्वजा फहराएंगे। इस कार्य का नेतृत्व कनकलता को सौंपा गया। थाना प्रभारी रेवती मोहन सोम के नेतृत्व में पुलिस ने उन निहत्थे ग्रामीणों की झुंड को आगे बढ़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पुलिस की परवाह ना करते हुए झुंड आगे बढ़ता रहा और परिणाम स्वरूप पुलिस ने फायरिंग कर दी। उसी दौरान कनकलता को गोली मार दी गई और वो जो झंडा अपने हाथ में ले जा रही थी उसे एक युवक मुकुंद काकटी ने उठा लिया, जिस पर भी गोली चलाई गई। पुलिस कार्रवाई में बरुआ और काकटी दोनों मारे गए थे। शहादत के समय बरुआ की उम्र केवल 17 वर्ष थी। कनकलता के इस वीरगति को सराहते हुए 1997 में कमीशन किए गए इंडियन कोस्ट गार्ड के फर्स्ट पेट्रोल वेसल ICGS को कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी एक आदमकद प्रतिमा का भी स्थापित किया गया था। उनकी मृत्यु से पहले उनका जोशीला भाषण आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं होती है। ऐसी ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए।